हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भूमिकाज किचन। आज मैं बना रही हूँ मूंगफली की चिक्की। जो गुड़ और मूंगफली दोनों ही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। ये हमारे शरीर में ब्लड लेवल को बढ़ाते हैं और ठंड के मौसम में ये हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। और मैं कुछ खास ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे बहुत आसानी से आप इसे घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिगनर भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आइए इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ 2 कटोरी मूंगफली के दाने लिए हैं। गैस पर कढ़ाई को रखकर मीडियम टू स्लो फ्लेम पर गर्म किया और उसमें अपने मूंगफली के दाने को डाल दिया। इन्हें 3 से 4 मिनट तक बराबर चलाते हुए, मीडियम टू स्लो फ्लेम पर बराबर चलाते हुए भूनना है ताकि ये अच्छे से भुनकर सोने हो जाए। और ये इनके भुनने की सबसे अच्छी निशानी है, हम चेक करें कैसे करेंगे कि ये भुनकर तैयार है। इन्हें जब आप हाथों में लेकर मैश करेंगे तो इनके छिलके आसानी से अलग हो जाते हैं। तब हम इन्हें गैस के फ्लेम को ऑफ करके इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे और फिर थोड़ा ठंडा करके हाथ से रगड़ कर या कपड़े से रगड़ कर इसे मूंगफली के छिलकों को अलग कर देंगे और छन्नी से छान कर इनके छिलके को अलग कर लीजिए। या आप चाहें तो इन्हें अब उसी प्लेट में थोड़ा सा उछाल उछाल कर इनको छिलके को आसानी से ऐसे अलग कर सकते हैं। अगर ये अब मुश्किल लगे तो आप इसको कपड़े में लेकर रगड़ लीजिए। इसके बाद हमको इसको 2 दानों में तोड़ना है, 2 टुकड़ों में। तो आप कोई भी कटोरी लीजिए और उससे इनको अच्छे से रगड़िए प्रेशर के साथ, जिससे ये 2 दानों में अलग टूट कर अलग हो जाते हैं। मैंने ये एक प्लास्टिक की सीट ली है, उस पर 1 टीस्पून तेल डाला और इसे अच्छे से ग्रीस किया। आप चाहें तो इसको इस जगह प्लेट भी ले सकते हैं, कोई भी थाली ले सकते हैं। और बेलन को भी मैंने ग्रीस लगाकर चिकना कर लिया। 2 कटोरी ही मैंने गुड़ लिया है, गुड़ को बारीक काट लिया है और इसे कढ़ाई में डाल दिया, 2 कटोरी गुड़ को। और 1 टेबल स्पून मैं इसमें पानी डालूंगी और अब गुड़ को बराबर चलाते रहूंगी और गैस के फ्लेम को स्लो टू मीडियम रखूंगी। गुड़ को स्लो फ्लेम पे ही पकाएं क्योंकि हाई फ्लेम पे गुड़ जल सकता है। अब गुड़ में हमारे अच्छे बुलबुले आ रहे हैं, गुड़ पक पक कर तैयार है। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून घी डाल देंगे। घी डालने से चिक्की में एक अच्छी सी शाइनिंग आती है मार्केट की तरह। अब पाक हमारा बनकर तैयार है। इसे चेक कैसे करें? इसे चेक करने के लिए मैंने 1 कटोरी पानी ली है, उसमें थोड़ा सा पाक को डाला गुड़ के और देखिए आराम से बड़ी स्मूथ एक जगह गुड़ इकट्ठा हो जा रहा है। मतलब हमारी चिक्की बनने के लिए गुड़ का पाक तैयार है। अब मूंगफली के दानों को इसमें डालें, अच्छे से मिलाएं, गैस के फ्लेम को स्लो रखें और इसे गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स करें ताकि हमारी चिक्की पे मूंगफली पे चारों तरफ गुड़ की अच्छी कोटिंग हो जाए। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हल्का ठंडा करके जो प्लास्टिक सीट हमने पहले से तैयार करके रखी थी उस पे इसको पलट देंगे। पूरी चिक्की को हम सीट पे गिरा लेंगे। अब आप किसी चम्मच से या किसी भी बर्तन से इसे थोड़ा फैलाएं, चम्मच से या कलछी से किसी भी चीज़ से आप इसे थोड़ा सा फैलाएं। मैंने यहाँ एक चम्मच ली है, उसमें थोड़ा सा घी लगाया और उसको उल्टे पिछले वाले हिस्से से इसको ऐसे दबाकर चारों तरफ जितना मोटा या पतला चकोर गोल आप जैसा बनाना चाहते हैं उस शेप में ले। फिर जब मैंने बेलन को ग्रीस किया था उससे हल्का बेल दे ताकि ये बराबर हो जाए। इनको गरम गरम में ही मैं चाकू से कट का एक निशान लगा दूंगी ताकि जब ये जब ठंडे हो जाए तो इनको निकालना आसान रहे। और मैंने इनको गरम गरम में ही निशान लगा दिया है, आधा घंटे के लिए छोड़ दिया। ये ठंडे हो गए हैं। ठंडे होने के बाद मैंने इन्हें अब अलग कर रही हूँ। ये अभी भी कहीं कहीं चिपके हुए हैं लेकिन देखिए अब हमारी चिक्की बनकर तैयार है और ये बिल्कुल मार्केट जैसी दिख रही है ना, ये बहुत अच्छे से सेट होकर जमकर तैयार हो गई है। मूंगफली की चिक्की बनकर तैयार है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक।